हाय फ्रेंड्स, मोनिका हेयर। मोनिकाज किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम की चटनी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। आप भी बनाइए मेरे साथ। तो आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 किलो के करीब आम लिए हैं, कच्चे आम, और इनको धो के साफ कर लिया है और इनको छील के अच्छी तरह से और ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद इनको हम हल्के हल्के हाथों से स्क्वीज कर लेंगे, सो दैट इनका खट्टापन थोड़ा निकल जाए। अगर इस तरह से हम नहीं करेंगे तो चटनी में उतनी ही खटास भी आएगी और उतनी ही ज्यादा मात्रा में हमें चीनी भी डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए सारे पल्प को बिल्कुल हल्का सा स्क्वीज कर देंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं। और सारे पल्प को स्क्वीज करने के बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे ये मेरा 1.5 kg पल्प है, तो इतनी ही इसमें चीनी डाल रही हूँ। इस चटनी की रेशो है कि जितना पल्प हो उतनी ही इसमें चीनी पड़ती है। और चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। और 3 से 4 घंटे के लिए इस पल्प को इसी तरह से प्लेस कर दें। चीनी मेल्ट हो जाएगी और पल्प थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। ये देखिए, पल्प और चीनी आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इनको 3 से 4 घंटे इनको पड़े हुए हो गए हैं। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लेके उसमें मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ। और इसमें डालने के बाद हम इसको इंडक्शन पे रखेंगे और इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ। 2 teaspoon भर के इसमें मैंने सौंफ डाली है। 1 teaspoon कलौंजी के दाने डाले हैं। 1 teaspoon काला नमक इसमें डाला है और ये काली मिर्च है 1/2 teaspoon और रेड मिर्च ये 1 spoon है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें। और ये कुछ दाने किशमिश हैं और ये कटे हुए काजू और बादाम, ये खरबूजे की गिरी जो होती हैं वो डाली है मैंने 2 चम्मच के करीब। और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लें। ये चटनी खट्टी मीठी बनती है तो इसलिए इसमें नमक भी पड़ता है और मिर्च भी पड़ती हैं। और बिल्कुल जब ये तैयार हो जाती है तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसमें किसी भी एडिबल कलर की जरूरत नहीं होती डालने की, बिकॉज इसमें बहुत सारी मात्रा में चीनी होती है। और सब कुछ मिक्स करके इसको ढक के इंडक्शन को एकदम लो पे कर दें और धीमे धीमे इसको पकने दें। तो मैं कह रही थी कि इसमें बहुत सारी मात्रा में चीनी होती है, तो जैसे जैसे ये पकती जाती है चीनी का अपना कलर आता जाता है, बिकॉज चीनी कैरमलाइज होती है तो बहुत ही अच्छा कलर देती है और इस चटनी का रंग अपने आप ही बहुत अच्छा बन जाता है। हर 2-3 मिनट के बाद अब इसको हिलाते रहें और ढककर पकाते रहें। एक बार फिर से इसको ढक दिया है मैंने। बस ये ध्यान रखें कि आपने इसकी आंच बिल्कुल भी तेज नहीं करनी, इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अब मुझे अराउंड 40 मिनट्स हो गए हैं इसको पकाते हुए और इसी तरह से धीरे धीरे इसको पकाना है। और आप देखिए स्टेज पे इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है, कुछ भी मैंने इसमें कलर ऐड नहीं किया है। और अब यह चटनी
बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसको प्लेट आउट कर लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट यह चटनी बनती है। आप इसको किसी भी चीज के साथ एंजॉय करें, बेशक पराठे के साथ या ब्रेड स्प्रेड की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। लीजिए फ्रेंड्स, ये चटनी बनकर रेडी है। रेसिपी पसंद आई हो तो इसको फॉलो कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।